अगर श्याम तेरी और कृपा नहीं होती गरीबों को दुनिया जीने न देती। काना जी इनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें, प्रभु शंभु जी भंडार करते रहे ऐसा काम करें। सबरी व्यालाक हो गई, विवाह योग्य हो गई, जे जाकी गलत लायक बिठा दई है तुमने। अब जे कथा ना सुनेंगे हमें मालूम
महाराज। सबरी के पिता का नाम है राजा शबर जी। राजा शबर ने देखा कि बिटिया सबरी प्याला कह गई, विवाह योग्य है गई। तो राजा शबर ने बिटिया शबरी की शादी रोक दी और राजा शबर ने सबरी की शादी की खुशी में 50 मुर्गों को और 50 बकरों को अपने यहां लेके आया। तो सबरी ने पूछा, पिताजी ये 50 मुर्गे हमारे यहां क्यों आए हैं, 50 बकरे हमारे घर पर क्यों आए हैं? देखो बहुत गलती है आपकी, बहुत बात कर रहे हैं आप लोग। भैया कहा कि ये मुर्गे और ये बकरे हमारे यहां क्यों आए? तो सबर ने कहा, बेटी तेरी शादी है, तेरी शादी की खुशी में इन 50 बकरों को 50 मुर्गों को काट के इनका आमिष रांधा जाएगा, इनका मांस रांधा जाएगा। सबरी कहने लगी, पिताजी एक जान मेरी जान की खुशी के लिए, एक मेरी खुशी के लिए 100 जीवों की जान जाएगी, कहां रहे ऐसी खुशी को? सबरी बोली, पिताजी आप इन मुर्गों को बकरों को जहां से लेके आए वहां वापस करो, अगर तुम नहीं करोगे तो आप नहीं सोच सकती ये बेटी क्या करेगी। सबर सोचने लगे, रे बेटी ये कहती रहती है छोड़ो, लेकिन राजा सबर नहीं माने, राजा सबर नहीं माने वो, हाँ राजा सबर नहीं माने, उन्होंने मुर्गे वापस नहीं किए। तो सबरी आधी रात